नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कैंसर मरीजों की लड़ाई लड़ने वाली एनजीओ विश्वास संस्था ने मुंबई में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्मार्टफोन का वितरण किया। मुंबई में लॉकडाउन में ऐसे कई बच्चे हैं जो स्मार्टफोन न मिल पाने से ऑनलाइन की पढ़ाई करने से वंचित रह जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं या तो उनके पड़ोसी के स्मार्टफोन से पढ़ रहे हैं या फिर उनके माता पिता को कर्ज लेकर बच्चे की भविष्य के लिए स्मार्टफोन खरीदने पर विवश होना पड़ रहा है। और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी नौकरी रोजगार भी बंद हैं, वो लाचार और परेशान हैं। मुंबई में पिछले 25 वर्षों से कैंसर मरीजों का इलाज करवाने वाली संस्था विश्वास ने अब ऐसे गरीब बच्चों के लिए स्मार्टफोन देकर उनकी पढ़ाई का पूरा करवाने का जिम्मा उठाया है। जरूरतमंद 40 से भी ज्यादा बच्चों को विश्वास संस्था द्वारा आज मुंबई के अंधेरी इलाके में स्मार्ट मोबाइल फोन दिया गया। इस कार्यक्रम में एसीपी अविनाश, वरिष्ठ पत्रकार अनिल तिवारी, सुनील सिंह सहित मुंबई पुलिस के कई अधिकारी और टीवी कलाकार हुनर अली भी उपस्थित थी। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। आज का जो ये प्रोग्राम रखा है, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन करने का, कि मैंने ये महसूस किया था कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको तो ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल घर में है, उनके पास साधन है, बट जो गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको बहुत असुविधा हो रही थी। तो मेरे 2-3 मित्रों ने मुझे सहयोग दिया, इस काम के लिए प्रेरणा दी, तो उनके सहयोग से मैं आज 40 मोबाइल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हैं। हम आशा करता हूँ कि समाज के बाकी लोग भी आगे आएंगे और इस जो शुरू किया हमने, जो इनिशिएटिव लिया है, उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चों को मोबाइल मिल सके। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आई थिंक एक अच्छी सोच रखनी बहुत ज़रूरी होती है, और एक अच्छी सोच के साथ जब एक अच्छा सोच के साथ जब एक वो एक इनिशिएटिव जुड़ा होता है, मैं उसका हिंदी का शब्द इनिशिएटिव का सोच रही थी कि प्रयास भी जब जुड़ा होता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो जैसे कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, एक प्रयास किया है, एक कार्य की शुरुआत करने का पहला कदम रखा है, तो आई एम श्योर इससे बहुत से लोगों को एक आइडिया लगेगा और उनको ये होएगा कि हाँ, ये भी एक चीज़ है जो ज़रूरी है, जो कि करनी चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए। तो आई एम श्योर सुरेश जी के ज़रिए बहुत से लोगों के अंदर ये एक थॉट आएगा, एंड डेफिनेटली प्रगति के रास्ते पे ये उन बच्चों को भी लेके जाने का मौका देगा। आज की इंटरव्यू में बहुत बार ये बात कही है, अभी भी कहूँगी कि कंपैशन जो है ना, वो इस दुनिया में बहुत लोग रखते हैं, लेकिन एक करने का जज्बा जो है वो बहुत कम लोगों में होता है। तो वो चीज़ सुरेश जी के अंदर ना ही इस इवेंट में देखने को आप सब लोगों को मिला, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो वो जज्बा जो है करने का, वो मैटर करता है और वही अच्छी चीज़ों को आगे लेके जाता है और आगे बढ़ाता है। करीब एक महीने पहले सुनील सिंह जी, जो एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, उनका कॉल आया था मेरे पास कि 4-5 बच्चे हैं जो पढ़ाई में उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने 4 या 5 मोबाइल गए महीने में दिए थे मैंने। उसके बाद मैंने मेरे दोस्तों से विचार विमर्श किया, उनसे पूछा मैंने, तो मालूम चला कि हज़ारों बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल नहीं है। तो मैंने एक छोटा प्रयास शुरू किया, चलो 40 मोबाइल से शुरू करते हैं, तो समाज के और भी लोग आगे आएंगे तो और भी काम आगे बढ़ेगा, तो सभी बच्चों को मोबाइल मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये महामारी में जो अभी फिजिकल जो पढ़ाई है बंद हो गई, ऑलमोस्ट अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि मोबाइल का सदुपयोग करें, पढ़ाई में ध्यान दें, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। तो ऐसा नहीं 80% पढ़ाई करें, 20% एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें।